यूपी की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव की घोषणा इसलिए नहीं हुई क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 में चुनाव जीते सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। हालांकि ये पिटीशन अभी तक पेंडिंग है। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको। भारत के निर्वाचन आयोग यानी ईसी ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों के साथ 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर भी उपचुनाव का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है। हालांकि मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि यूपी के मिल्कीपुर में उपचुनाव की घोषणा इसलिए नहीं हुई क्योंकि बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने 2022 में चुनाव जीते सपा विधायक अवधेश प्रसाद के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हालांकि ये पिटीशन अभी तक पेंडिंग है। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के पक्ष में काम करने का आरोप लगाया है। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि कानपुर की सीसामऊ सीट का मामला अभी भी अदालत में है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग वहां चुनाव करवा रहा है। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर बीजेपी प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी। उन्होंने विधायक चुने गए अवधेश प्रसाद को चुनावी हल्फनामा पर सवाल उठाए थे और उनके निर्वाचन को चुनौती दी थी। गोरखनाथ की तरफ से कहा गया था कि अवधेश प्रसाद ने जो हल्फनामा दाखिल किया है उसकी नोटरी ऐसे शख्स ने कराई है जिसका लाइसेंस खत्म हो चुका है। ऐसे में यह हल्फनामा अवैध था, जिसके बाद गोरखनाथ ने याचिका दाखिल कर अवधेश प्रसाद के नामांकन को रद्द किए जाने की गुहार लगाई थी। ऐसे में अभी सीट पर सपा और बीजेपी में सीधा मुकाबला होना तय है। सपा से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिलना लगभग तय है, जबकि बीजेपी अभी तक अपना प्रत्याशी फाइनल नहीं कर पाई है। यूपी की जिन 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होना है उसमें से मैनपुरी की करहल, कानपुर की सीमामऊ, प्रयागराज की फूलपुर, अंबेडकर नगर की कटहरी, मिर्जापुर की मंडवा, गाजियाबाद सदर, अलीगढ़ की खैर, मुजफ्फरनगर की मीरपुर और मुरादाबाद की कुंडरी सीट शामिल है। इन सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होंगे। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।